नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मकर राशि के विषय में। मकर राशि वालों के लिए यदि हम शनि से विचार करें तो इस वर्ष शनि की 7.5 का कष्ट रहेगा। कानूनी वाद विवाद बन सकते हैं और संक्रामक रोग होने की संभावना है। 4 अगस्त के बाद में खर्चे बढ़ेंगे और 15 नवंबर के बाद में सिरदर्द जैसे शारीरिक कष्ट होंगे। राहु केतु से यदि हम विचार करें तो आर्थिक लाभ मिलेगा, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और 3 सितंबर के बाद संतान को कष्ट होगा, परंतु धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं। गुरु से यदि हम विचार करें तो गुरु इस वर्ष सुख व समृद्धि देगा, परंतु 15 जुलाई के बाद में कष्टप्रद है, शारीरिक व मानसिक कष्ट होगा। 13 नवंबर के बाद में सम्मान की कमी हो सकती है। अगस्त के महीने में मकर राशि वालों को छोटे भाई से व्यापार में लाभ होगा। बाहर खाने से बचें, पेट के रोग होने की संभावना है और विरोध हो सकता है। सितंबर के महीने में अत्यधिक मेहनत से बचें, चलने फिरने से कष्ट हो सकता है, भाई से लाभ होगा और कोई शोक समाचार मिल सकता है। अक्टूबर के महीने में लाभ व उन्नति होगी, योजनाओं पर कार्य करने का उचित समय है, नई नौकरी व व्यापार में सफलता मिलेगी, शुभ समाचार मिलेगा, छोटे भाई से लाभ होगा, उचित मार्ग से धन कमाएं। नवंबर के महीने में योजनाओं पर कार्य करने का उचित समय है, नौकरी व व्यापार से शुभ समाचार मिलेगा, यात्रा के योग हैं। दिसंबर के महीने में छोटे भाई से लाभ होगा, अचानक खर्चे बढ़ेंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, मानसिक सुख मिलेगा, योजनाओं की सफलता से धन लाभ भी होगा। सावधान रहें। नमस्कार।